Hello guys, what is up? CA Tejas Sooch at this side, and as you can see from the title of this video is relevant for both CA Foundation and CA Intermediate students. क्योंकि आप लोग के लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है, ऐसी स्थिति आ चुकी है जो आपके माइंड में कुछ अनसर्टेनिटी अराइज कर सकती है. एंड आई एम प्रिटी श्योर जैसा हमको फैकल्टीज को फील हो रहा है वैसा आप स्टूडेंट्स को भी ये थोड़ा सा एंशियस कर सकती है. एंड दैट इज द न्यू कोर्स दैट इज कमिंग सून. एंड सर, इन दिस केस व्हाट शुड वी एज स्टूडेंट्स डू? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स की. सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी दिसंबर 2022 में अपना फाउंडेशन अटेम्प्ट दिया है, आप लोग एलिजिबल होते हो नवंबर 2023 में अपने सीए इंटरमीडिएट के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए. सो बाय दैट टाइम न्यू कोर्स विल बी एप्लीकेबल. तो सर, अब जब हमारा फाउंडेशन एग्जाम से लेके इंटरमीडिएट का पढ़ाई चालू होता है, मतलब फाउंडेशन का रिजल्ट आता है, तब तक व्हाट शुड वी डू? क्या हमने यहां पे मतलब सीए इंटरमीडिएट के लिए कोई भी फैकल्टी के पुराने लेक्चर्स रेफर करना चाहिए कि हमारी जल्दी पढ़ाई स्टार्ट हो जाए? माय आंसर टू दैट इज नो. यू शुड नॉट गो फॉर एनी रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ एनी फैकल्टी जो अभी तक उन्होंने कंडक्ट की थी, या फिर वो जो मई 23 के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ओल्ड सिलेबस के हिसाब से रहेगा. And considering the news that is coming from Central Council members ki jo new syllabus hai wo approve ho jayega January mein by the Ministry of Corporate Affairs and then the Cabinet and then the Parliament. To ye aapka January tak pura approve ho jayega and November mein most probably aapka new course applicable ho jayega. To May 23 tak ke koi bhi lectures aap kisi bhi faculty ke kisi bhi subject ke mat dekhiye. If at all you want to start your studies early for the November 23 attempt, then you have to start with the batches जो अभी November 23 के लिए specifically dedicated है, जिसमें पूरा new course के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा. And यहाँ पे Unacademy में team संकल्प जो आपको पढ़ाने वाली है 3rd of January से, that will be based on the new syllabus जो ICAI लेके आएगा. Also यहाँ पे जो CA intermediate students है जिनका intermediate का May 23 का attempt है, सर क्या हमने May 23 के attempt में extra डरना चाहिए? क्योंकि अगर गलती से इसमें clear नहीं हुए तो November 23 में फिर हमें old course का यहाँ पे attempt देने मिलेगा या नहीं? सबसे पहले डरने की कोई बात नहीं. दूसरी चीज, May 23 ओल्ड सिलेबस के लिए फाइनल अटेम्प्ट रहेगा, चाहे आप पास होते हैं या नहीं. क्योंकि अगर आप पास नहीं भी होते तो नवंबर 23 में आपको न्यू सिलेबस में शिफ्ट होना ही पड़ेगा. तो सर ये तो डरने की बात हुई, एब्सोल्युटली नॉट. क्योंकि ओल्ड सिलेबस में जहां 8 सब्जेक्ट थे, न्यू सिलेबस में आपके पास 6 ही सब्जेक्ट थे रहेंगे. ओल्ड सिलेबस में अगर आप कोई भी पेपर में एग्जेम्पशन लाते हो तो वो एग्जेम्पशन आपका न्यू सिलेबस में भी शिफ्ट हो जाएगा. आईसीआई विल बी दैट मच कंसिडरेट बिकॉज आईसीआई विल वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट्स ओवर ईयर. तो आपका अगर ओल्ड सिलेबस में कुछ भी एग्जेम्पशन आपको आ जाता है तो वो एग्जेम्पशन आपका न्यू कोर्स में कैरी फॉरवर्ड होगा. ऑल्सो ओल्ड सिलेबस में जो आप एक्स्ट्रा पेपर्स दे रहे थे वो ऑटोमेटिकली न्यू सिलेबस में हट जाएंगे, क्योंकि 8 से अगर 6 पे आ रहे हैं तो 2 पेपर्स तो आपके ऐसे ही हट जाएंगे. सो जस्ट कंसिडर मे 23 एज एन अटेम्प्ट, एज अ नॉर्मल अटेम्प्ट, एज अ रेगुलर अटेम्प्ट. उसको बहुत एक ऐसा एक्स्ट्रा बर्डन मान के चलने के लिए आपके लिए कोई भी जरूरत नहीं है. क्योंकि यहां पे मे 23 में इफ यू क्लियर, वेल एंड गुड, यू स्टार्ट विथ योर आर्टिकलशिप. If you do not clear, तो November 23 में आपको again new syllabus के अंदर attempt मिलेगा, but that won't be harmful for you, क्योंकि उसमें आपको additionally as such कुछ भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, rather आपके exemption carry forward हो जाएंगे, आपका जो old syllabus में extra subjects थे वो निकल जाएंगे, और यहाँ पे old syllabus में केवल जो थोड़ा बहुत changes रहेगा new syllabus से, वो आपको cover करना पड़ेगा in the November 23 attempt. So for the foundation students, सबसे पहले आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं, आपने new syllabus की directly classes start करनी है. जो intermediate वाले students है, आप लोग के लिए यहाँ पे you have to focus on May 23 right now, right? उसमें जो भी result आता है उसके अनुसार फिर November 23 पे जाएंगे.
पास हो गए टेंशन की बात ही नहीं, फेल विथ एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन विल कैरी फॉरवर्ड, आईसीआई ऐसा नहीं करेगा कि एग्जेम्पशन भी आपका रिवोक कर देगा, एंड अगर आप विदाउट एग्जेम्पशन फेल हो जाते हो तो दो सब्जेक्ट तो आपके खत्म हो जाते हैं इन द न्यू सिलेबस, बचे हुए सब्जेक्ट्स में जो भी थोड़े बहुत चेंजेस है वो कवर अप करते हुए आपको नवंबर 23 अटेम्प्ट की तैयारी करनी पड़ेगी। सो दिस वॉज फॉर द फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स बोथ, आई होप आप सबको इससे क्लैरिटी मिली हो एंड आप सबकी पढ़ाई इसके अनुसार आप चालू कर दीजिए। यहां पे अनअकैडमी में हम टीम संकल्प आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं 3rd of January से CA इंटरमीडिएट नवंबर 2023 का फ्रेश बैच, अर्ली बर्ड बैच, जिसमें न्यू सिलेबस के अनुसार हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, एंड एज एंड व्हेन ICI ऑफिशियल नोटिफिकेशन देता है वो भी उसमें जो भी पूरा सिलेबस की डिटेल्स है सब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी इस बैच में। तो इसके लिए आप प्लस आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग द कोड TEJAS10 और आपको बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट्स अनअकैडमी पे मिल जाएंगे, एंड डरने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे आपको बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दिया जाएगा। See you all on 3rd of January live in the early bird batch with Team Sankalp, and until then this is CA Tejas Suchak signing off. Thank you so much guys, take care and bye bye.